रायबरेली जनपद के महाराजगंज ब्लॉक सभागार में भाजपा संगठन को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में क्षेत्रीय अध्यक्ष सहित पार्टी के जिला अध्यक्ष व बसरावा विधानसभा के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व मंडल अध्यक्ष सुरेश तिवारी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 2019 लोकसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बचरावा विधायक राम नरेश रावत ने कहा कि आज हमारी ताकत युवाओं से है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक युवा कार्यकर्ता मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़ा है। वहीं ब्लॉक प्रमुख सत्येंद्र प्रताप सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी लोकसभा में पार्टी की जीत सुरक्षित करने में पार्टी के सभी कार्यकर्ता जी जान से जुटे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सुधीर सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष रामदेव पाल, युवा मोर्चा से तीनों मंडलों के मंडल अध्यक्ष व बचरावा विधानसभा के समस्त कार्यकर्ता व पदाधिकारी विद्यासागर अवस्थी, जिला मंत्री जनमेज सिंह, जिला पंचायत सदस्य प्रभात साहू, सरदार फतेह सिंह, भोलू सिंह, ऋषि सिंह, रानू सिंह, बाबू राजन सिंह, नीलू सिंह आदि सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक जी, आज ब्लॉक सभागार में क्या कार्यक्रम था और 2019 की क्या तैयारियां चल रही हैं बीजेपी की तरफ से? आज का जो कार्यक्रम था, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय सुरेश तिवारी जी आए थे जी, माननीय जिला अध्यक्ष रामदेव पाल जी, माननीय प्रमुख सत्येंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय प्रेम मिश्रा जी यहाँ के प्रभारी हैं, इनके सहित और सब लोग थे। ये तय किया गया है 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक पद यात्राएँ निकलेंगी और ये हमारा कार्यक्रम नहीं, ये प्रदेश से के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम है, इसलिए पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने इसे स्वीकार किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से इस यात्रा को हम लोग सफल बनाने का प्रयास करेंगे।